तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे को आज का ब्लॉग भैया के रूम से स्टार्ट कर रहा हूँ। आज तो बहुत ज्यादा धूप है, पीछे कपड़े सूख रहे हैं। अभी आज यही रुकने का प्लान है क्योंकि आज कॉलेज भी नहीं है और रूम तो हो गई, आपने देखा ही कल के ब्लॉग में सब सामान वगैरह शिफ्ट किया और रूम दिखाने की है, वो दिखाऊंगा ही मैं। अभी बस भैया के रूम पे हूँ। भैया और सियोक भैया तो गए थोड़ा दुकान में सामान लाने, क्योंकि आज टिफिन वगैरह कुछ भी नहीं बुलाया है। आज प्लान है घर पे बनाने का, तो मैंने बोला अच्छा है व्लॉग भी बना दूंगा उसी का। तो आज पोहा लाने गया है, मतलब सूखा वाला, अपन घर पे बनाएंगे उसको अच्छे से। और खाने का भी सामान लाने गए, वो भी रॉ सामान लाएंगे पूरा, और फिर यहाँ पका के बनाएंगे। तो चलो आज का व्लॉग कुकिंग स्टाइल होगा, तो भैया आता ही है, सामान लाता ही है, तब दिखाता ही हूँ आपको। दोस्तों देखो, यहाँ इंडक्शन बंद होते हुए अभी भैया उसका फुल इलाज करते हुए सही सही, आधा तो पोस्टमार्टम कर ही दिया है, अभी भूख की मारने वाला था उसपे लेकिन बच गया इंडक्शन, चालू नहीं हो रहा। गाइस फुल सामान लाया आज नाश्ता और खाना बनाने का, लेकिन चालू नहीं हो रहा है। तो अभी देखते हैं क्या करेंगे, किसी से मांग के लाएंगे, नहीं तो फिर गैस भरवा के लाना पड़ेगा, वो गैस है भैया के पास। तो चलो देखते हैं कैसा क्या होता है। तो अभी चालू हुआ तो दिखाऊंगा मैं। भैया बोल रहा है कि पिछले बार भी ऐसा हुआ था, मैंने चालू किया था, देखो मार मुर के चालू करता है कि नहीं। तो दोस्तों देखो, फाइनली जो इंडक्शन था वो तो चालू नहीं हुआ। अभी ये गैस का बाटला लाया है, इस पे बनाएंगे। अभी सब काट कूट चल रहा है, पोहा ही बनाना है, तो फटाफट पोहा बना लेता हूँ। यहाँ पूरा कांदा वगैरह डाल दिया, अभी मिर्ची भी डाल दी, तो बस पोहा वगैरह बनाना है फटाफट। प्याज तो बातों बातों में ज्यादा ही जल गया, अभी देखते हैं कैसा भी बनेगा, खाना तो पड़ेगा ही, कोई चारा तो है नहीं। भैया शूट कर रहा है, ये देखो सीओ भैया, यहाँ की लेडीज लेडीज जैसे काम करते हुए, पूरा लेडीज मतलब अच्छा सिस्टमेटिक काम करते हुए। ये देखो पोहा सब रेडी है, अभी फटाफट बनाता हूँ, भूख लगी है बनाने के बाद दिखा दो गाइस। ये क्या है दोस्तों, देखो पोहा बनाया जा रहा है ऑलमोस्ट, अभी डन हो चुका है, सिर्फ मिक्स करना बाकी है, तो फटाफट इसे भी मिक्स कर लेता हूँ और फिर दिखाता ही हूँ आपको बनने के बाद कैसे बना है, क्या बना है, टेस्ट भी बताओ गई, क्योंकि बहुत ज्यादा भूख लगी है। अभी ज्यादा टाइम पास तो नहीं करूंगा, आवाज बहुत आ रहा था इसीलिए वॉइस ओवर कर रहा हूँ गाइस एडिटिंग के समय। तो चलो अभी पूरा बनने के बाद दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों देखो, यहाँ फुल पोहा बन के रेडी है, ये इससे नहीं खाऊंगा, ये बस इसके लिए छोटे चम्मच है उससे ही खाऊंगा। ये देखो सियोक भैया पैसे वाला है, देखो गाइस चैन गले में, ये देखो भैया और मैं तो हुई। तो चलो पोहा खा लेते हैं खत्म होने से पहले। दोस्तों देखो, हमने पोहा वगैरह तो खा लिया, अभी अभी बस थोड़ा आराम करते हैं, ज्यादा तो नहीं खाया, थोड़ा थोड़ा ही पोहा खाया, और फिर से खाना बनाना है, मतलब लंच बनाना है। लंच तो किया ही नहीं, लंच के टाइम पे ही पोहा बनाया। अभी जब सबको भूख लगेगी तो मसाला खिचड़ी बनाएंगे। आज पहले ही बोला था गाइस थोड़ा कुकिंग टाइप ही व्लॉग होने वाला है, क्योंकि सुबह से कुछ हुआ ही नहीं और कहीं भी जाने नहीं रहा, सियोक भैया की भी तबीयत खराब है, तो इसीलिए ऑफिस से छुट्टी ली उन्होंने आज। तो चलो अभी थोड़ा आराम कर लेता है और फिर मसाला खिचड़ी बनाते हैं, तो उसकी रेसिपी दिखाता हूँ आपको। दोस्तों देखो, अभी खाने की तैयारी हो रही है, यहाँ कांदा भी काट लिया, अभी बस टोमेटो काट रहा था, और ये देखो तेल और इसमें पूरा सामान है, ये मिर्चा वगैरह, इसमें पूरा मसाला है। तो चलो अभी फटाफट ये करता हूँ। ये देखो गाइस, ये गैस का बाटला ये लाया है, अभी इस पे ही खाना बनाना है। तो चलो पूरा काट वगैरह लेता हूँ सब और फिर दिखाता हूँ। आज दो तीन आइटम है, भैया जा रहा है, थोड़ा स्पेशल खाना बन रहा है, मेरे दोनों शेर बड़े वाले ये सब खाना बना रहे हैं मेरे लिए, मैं जा रहा तो आज, इसको तो पहचान दी आप, और ये नया आज से नए ब्लॉग में इसने ज्वाइन किया, इसको 5 रुपये महीना से रखा है हमने
दोस्तों देखो अभी तक की ब्लॉगिंग स्किल देखी आपने भैया की। अभी यहाँ पूरा प्याज और सिंगदाना और तेज पत्ता वगैरह सब डाला। ये देखो अभी मिर्ची डाल रहा हूँ, मिर्ची टोमेटो तो बाद में डालूंगा। ये नए नए आदमी को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो दोस्तों देखो अभी यहाँ टोमेटो वगैरह तो सब डाल लिए, बस इसको थोड़ा सा पकने देता हूँ, थोड़ा घुमा रहा हूँ। तो पूरा सब सही सही मसाला वगैरह पका लेता हूँ। मसाला तो डाल दिया है अभी थोड़ा थोड़ा, तो पूरा पक जाएगा ताकि फिर अच्छा लगेगा राइस खाने के लिए मसाले बाद। तो चलो अभी ये पूरी प्रोसेस तो फटाफट कर लेता हूँ। उसके बाद देख सकते हो नीचे सोयाबीन वड़ी और चावल भिगो के रखे वो भी डालने ही है। तो दोस्तों देखो अभी मसाला खिचड़ी ऑन द वे बनने के लिए। ये कुछ भी मत समझना कि नॉन वेज है, ये है सोयाबीन वड़ी। तो बस बनने के बाद दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखो ये सोयाबीन वड़ी है। बहुत लोग थोड़ा अलग समझ लेते इसे, श्रावण चल रहा है तो हम नहीं खाते हैं नॉन वेज। भैया लोग खाते हैं, ये सुयोग भैया वगैरह, लेकिन मैं नहीं खाता। तो देखो ये बस बना रहा हूँ अभी, इसमें थोड़ा सा चढ़ाता हूँ ये और फिर पानी डाल के इसे चढ़ा दूंगा। गैस पे 3 सीटी ले लूंगा ताकि फिर मस्त खिला खिला बन जाएगा, दिखाऊंगा मैं आपको गाइस। तो चलो थोड़ा सा नमक डालना रह गया। तो दोस्तों देखो अभी बूंदी रायता बना रहा हूँ, तो ये ताक भी है और ये दही भी है कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए। तो चलो अभी फटाफट करता हूँ, पहले से काट लेता हूँ, इसमें ताक निकाल लेता हूँ पूरा। तो देखो मैं बूंदी रायता बना रहा हूँ और ये बूंदी थोड़ी थोड़ी गायब कर रहा है, मैं भी खा लेता हूँ थोड़ा। तो चलो बूंदी रायता बनाते हैं, अभी सीधा नीचे आ जाओ बनकर। तो दोस्तों ये देखो दोनों लोग दही खा रहे हैं और सुयोग भैया देखो बूंदी खाते हुए एक्सप्रेशंस के साथ। मैं तो बस काम ही कर रहा हूँ, बूंदी रायता बना रहा हूँ। तो दोस्तों फाइनली बूंदी रायता बन के रेडी हो चुका है। अभी ये डब्बा छोटा है इसीलिए बूंदी बूंदी ऊपर आ रही है, देखो चलाने के बाद सही सही लग रहा है। तो चलो यहाँ खिचड़ी भी बन चुकी है, मसाला खिचड़ी ये देखो यहाँ। तो चलो अभी फटाफट प्लेट्स भी लग चुके हैं, तो सब प्लेट्स में निकाल लेता हूँ और फिर दिखाता हूँ आपको कैसा क्या है और टेस्ट भी बताऊंगा। दोस्तों देखो फाइनली बिरयानी टाइप ही मसाले बात बन चुका है। ये देखो ये सोयाबीन की वड़ी है गाइस, फिर से बता रहा हूँ। और ये देखो ये बूंदी रायता भैया का, ये एक भैया तो दही खा रहे नहीं बूंदी रायता जमता बोले, तो बिरयानी टाइप ही बना है। चलो फटाफट इसे खा लेता हूँ। ये देखो सुयोग भैया खाना खाते हुए, तो मैं भी खा लेता हूँ फटाफट। देखो खाना खाने के बाद देखो ये देखो भैया फुल सुस्ती। मैं तो यहाँ बैग रेडी कर रहा हूँ, कल जाना है कॉलेज के लिए, भैया को तो आज ही जाना है तो कॉलेज के लिए इसीलिए गांव को जाना है, तो इसीलिए बैग वगैरह पैक कर रहा। मैंने भी देख लिया मेरे बैग में कुछ भैया की चीजें नहीं रहनी चाहिए और भैया के बैग में मेरी कुछ चीजें नहीं रहनी चाहिए, इसलिए सब देख लिया। तो दोस्तों अभी तो खाना खाया, थोड़ी सुस्ती आ रही है लेकिन सोएंगे नहीं, अभी जाएंगे चलो थोड़ा घूमने चले गए, नहीं तो शाम को भैया को छोड़ने जाना ही है तो वहां जाएंगे। देखो यहाँ सुयोग भैया, यहाँ भैया अभी बस बाहर जाने की तैयारी चल रही है, खाना खाने के बाद तो सब सुस्त हो गए पूरे। तो देखो मैं भी बस अभी जा रहे हैं थोड़ा बाहर घूमने, चलो बाहर घूमने। चलो चलो गाइस देखो ये रूम है कुछ भैया की, देखो सब साफ सुथरा। अभी देखो अचानक से उठ गया, ये खिचड़ी तो बाकी है मसाला खिचड़ी। तो चलो चलते हैं नीचे। तो दोस्तों देखो यहाँ बहुत तेजी से बारिश आ रही है
अभी जाना भी मुश्किल ही है, तो देखते हैं।